धम्मपद, या आप इसे कह सकते हैं बुद्ध सूत्र। धम्मपद बौद्ध साहित्य का सर्वोत्कृष्ट लोकप्रिय ग्रंथ है। इसमें बुद्ध भगवान ने नैतिक उपदेशों का संग्रह, यमक, अपमाद, चित्त आदि 26 वर्गों, या इसे वर्ग कह सकते हैं आप, 423 पाली गाथाओं में किया है। धम्मपद एक बौद्ध ग्रंथ है जिसके बारे में माना जाता है कि इसमें बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ गौतम के वास्तविक शब्द दर्ज है। गौतम, जिन्हें बुद्ध के नाम से जाना जाता है, 563 और 483 ईसा पूर्व के बीच में जीवित रहे। उनके शब्द मौखिक रूप से तब तक प्रसारित होते रहे जब तक कि उन्हें पहली शताब्दी ईस्वी सन पूर्व में लिखा नहीं गया था। तो धम्मपद में 423 श्लोक का एक संग्रह है। तो धम्मपद छंदों का एक संकलन है जो न्याय के नाम से जाने जाने वाले धर्म ग्रंथ के थेरवाद पाली कैनन के हिस्से से संबंधित है। जब बुद्ध को संबोध प्राप्ति हुई तो उस संबोध प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश सारनाथ में दिया है पांच भिक्षुओं को। उन पांचों में से पहला है कौंडिन्य, वप्प, बिद्वीय, असज्जी और महानाम। बौद्ध इतिहास में इस प्रथम धर्मोपदेश को धम्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। उन पांच भिक्षुओं को पंचवर्गीय भिक्षु कहा जाता है। आषाढ़ की उस पूर्णिमा को, जिस दिन बुद्ध पांच भिक्षुओं को प्रथम उपदेश दिया, धम्मचक्र प्रवर्तन पूर्णिमा नाम से जाना जाता है और यह दिन आज गुरु पूर्णिमा के रूप में अधिक प्रचलित है भारत में। लेकिन बौद्ध इस पूर्णिमा को संघ दिवस कहते हैं क्योंकि एक तरह से इस दिन से बुद्ध का संघ साकार हुआ था। बौद्धगण इस दिन को बौद्ध विहारों में धम्मचक्र प्रवर्तक सूत्र का पाठ करते हैं जिसमें बुद्ध के चार आर्य सत्यों को उद्घोषित किया गया है। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निदान है, निदान का मार्ग निर्वाण है। तो भगवान गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिया है तो वह उन्होंने लिखा नहीं था, उन्होंने अपने भिक्षुओं को कहा था, अपने शिष्यों को कहा था मुख से। और उन दिनों ऐसे ही शिक्षा दी जाती थी, कभी लिखी नहीं गई थी और लिखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि जो जो उन्होंने कहा है वह सब उनके शिष्यों को याद रहता था। लेकिन बुद्ध के जाने के बाद 300-400 वर्ष के बाद उस तरह के भिक्षु रहे नहीं कि जो सही उपदेश दिया गया है वह संग्रहित कर सके। तो बाद में जाना कि अब मुश्किल हो जाएगी तब वह लिखा गया है। तो सही सही लिखा गया है या नहीं ये कोई बता नहीं सकता, लेकिन जो लिखा गया है वह थोड़ा बहुत ठीक होगा, ऐसी आशा मान के चलते हैं। और जब बुद्ध का सूत्र मैं अभी शुरू करूंगा तब शुरुआत उनके जन्म से, जिस दिन उनका जन्म हुआ उससे शुरुआत करता हूं। करीब करीब
आज से 2500 वर्ष पूर्व जिस दिन बुद्ध का जन्म हुआ है, घर में उत्सव मनाया जा रहा है, क्योंकि सम्राट के घर में एक बेटा पैदा हुआ है। पूरी राजधानी सजी थी, रात भर लोगों ने दिए जलाए हैं, गाने गाए हैं, नाचे हैं, उत्सव का क्षण था, क्योंकि बूढ़े सम्राट के घर बेटा पैदा हुआ था, बड़े दिन की प्रतीक्षा थी, बड़े दिन की प्रतीक्षा पूरी हुई थी, बड़ी पुरानी अभिलाषा थी पूरे राज्य की, क्योंकि मालिक बूढ़ा होता जाता था और नए मालिक की कोई खबर ना थी। इसीलिए बुद्ध को सिद्धार्थ नाम दिया गया। क्या होता है सिद्धार्थ का अर्थ? सिद्धार्थ का अर्थ होता है अभिलाषा का पूरा होना। पहले ही दिन जब द्वार पर नगारे बज रहे थे, बैंड बाजरे बज रहे थे, शहनाइयां बज रही थी, फूल बरस रहे थे, महल के चारों तरफ प्रसाद बांटा जा रहा था, तब उसी क्षण, एक दिन हुआ है बस, हिमालय से एक भागा हुआ वृद्ध तपस्वी राजमहल के द्वार पर खड़ा हुआ है आकर, और उसका नाम था असीथा। बुद्ध के पिता सम्राट बहुत सम्मान किया करते थे उसका, क्योंकि ये जो असीथा है योगी, वह कभी किसी राज्य के राजधानी में नहीं जाता था, किसी राजा के पास नहीं जाता था, लेकिन आज यहां पे आके खड़ा है। और दोनों क्लासमेट, ये असीथा योगी बन गया और बुद्ध के पिता राज्य करने लगे। और जब भी बुद्ध के पिता को उनको मिलने जाता तो शुद्धोधन बुद्ध के पिता सम्राट उसे स्वयं दर्शन के लिए असीथा के पास जाते थे, जहां पे वे रहता था। एक साथ पढ़े वाले बचपन से, शुद्धोधन सम्राट हो गया, संसार में उलझ गया राजकारभार में, लेकिन अब असीथा जो परम मित्र था, वह महातपस्वी हो गया। और उस असीथा की, उस महातपस्वी की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। तो बुद्ध के पिता शुद्धोधन असीथा को द्वार पर देखकर एकदम परेशान हो गए, ये कैसे क्या हुआ भाई? कहा बुद्ध के पिता ने, आप और यहां क्या हुआ? ऐसा जो आना हुआ मुझे कहते, मैं आ जाता। कोई मुसीबत, कोई परेशानी, कोई अड़चन? तब असीथा कहता, नहीं कोई मुसीबत नहीं, ना कोई अड़चन। तुम्हारे घर में बेटा पैदा हुआ है, मैं उसके दर्शन करने आया हूं। अभी राजा शुद्धोधन समझ नहीं पाया कि असीथा जैसा महान तपस्वी घर आया है और कहता है बेटे के दर्शन करनी है। ये सौभाग्य की घड़ी थी कि असीथा जैसा महान तपस्वी बेटे के दर्शन करने आया है, जो अभी एक दिन का ही है, भागा हुआ गया है अंतरग्रह में, उस नवजात शिशु को उठा कर ले आया है बाहर। और जैसे ही उस नवजात शिशु को असीथा देखता है, असीथा झुका, उस शिशु के चरणों में अपना सिर रख दिया असीथा ने, और कहते हैं उस एक दिन के शिशु ने अपने पैर उस महातपस्वी के जटाओं में उलझ दिए। फिर तब से आदमी की जटाओं में बुद्ध के पैर उलझते हैं। फिर आदमी छुटकारा नहीं पा सकता, और असीथा हंसने लगा और रोने भी लगा है उस वक्त। क्या होता होगा वो क्षण समझिए आप। एक महान तपस्वी
चरणों पे सिर रख रहा है एक दिन के शिशु के, और हंसने भी लगा है और रोने भी लगा है, तब उस पिता की अवस्था क्या होगी? तो शुद्धोधन पूछता है कि इस शुभ घड़ी में आप रोते क्यों हो, आपके रोने का कारण क्या है? तब असिता ने उत्तर जो दिया है सुनिए आप। असिता कहता है, ये जो तुम्हारे घर पे बेटा पैदा हुआ यह कोई साधारण आत्मा नहीं है, असाधारण है। कई सदियां बीत जाती है, यह तुम्हारे लिए सिद्धार्थ नहीं है, यह अनंत अनंत लोगों का सिद्धार्थ है। ये तुम्हारे लिए सिद्धार्थ नहीं है, यह अनंत अनंत लोगों के लिए सिद्धार्थ है। अनेकों की अभिलाषा इससे पूरी होगी, इसीलिए मैं हंसता हूं कि इसके दर्शन मिल गए, हंसता हूं प्रसन्न हूं कि इसने मेरी जटाओं में अपने पैर उलझा दिए। ये एक सौभाग्यशाली क्षण है। और रोता हूं इसलिए कि जब ये कली खुलेगी, जब ये फूल बनेगी, तब मैं वो देखने के लिए जिंदा नहीं रहूंगा। जब इस कली का फूल होगा तब, जब दिग दिगंत में इसकी सुवास उठेगी और इसकी सुवास की छायाओं में करोड़ों लोग राहत लेंगे, तब मैं नहीं रहूंगा। यह मेरा शरीर अब छूटने के करीब है। इसीलिए मैं रो रहा हूं। और एक बड़ी बात असिता ने कही है उस दिन, वह यह कि अब तक आवागमन से छूटने की आकांक्षा थी मेरी। इतनी सालों से मैं तपस्या कर रहा था कि अब ये जन्म और मृत्यु से मैं छुटकारा पाऊं, वह भी अभी पूरी हो रही है, लेकिन मुझे आज पछतावा हो रहा है। एक जन्म अगर और मिल जाता तो इस बुद्ध पुरुष के चरणों में बैठने की, उसकी वाणी सुनने की मेरी इच्छा रह जाएगी। मेरी इच्छा ये पूरी ना होगी। अब इसकी सुगंध को पीने की, इसकी नशे में डूबने की सुविधा हो जाती अगर मुझे एक जन्म मिल जाता। आज पछताता हूं, मैं आज पछताता हूं, लेकिन ये मुक्त हो चुका हूं, लेकिन मैं अब मुक्त हो चुका हूं। यह मेरा आखिरी अवतार है, मतलब कहते हैं कि यह मेरा आखिरी जन्म है, असिता कह रहा है। अब इस जन्म के बाद, मतलब इस ये जन्म मेरा आखिरी है, इसके बाद मैं देह न धर सकूंगा। अब तक सदा की चेष्टा थी कि कब इस शरीर से छुटकारा पाऊं, कब इस आवागमन से मैं आजाद हो जाऊं, कब मुझे मोक्ष मिले, लेकिन मैं आज पछता रहा हूं कि अगर थोड़ी दूर रुक जाता, अगर रुक गया होता तो मुझे इस फूल की सुगंध में कुछ देर रह सकता था। एक छोटा सा बच्चा एक दिन का, उसके बारे में कह रहे असिता, ये बुद्ध अब फूलने का समय है, लेकिन मैं नहीं रहूंगा। तो असिता का कहने का तात्पर्य इतना ही है कि अगर मोक्ष भी दांव पर लगा दूं तो हर्जा नहीं इस बुद्ध पुरुष के वचन सुनने के लिए। तब से आज तक 2500 साल के ऊपर बीत गए होंगे। बहुत प्रज्ञा पुरुष हुए, लेकिन बुद्ध अतुलनीय है, और उनकी अतुलनीयता इसमें है कि उन्होंने इस सदी के लिए धर्म दिया है और आने वाले भविष्य के लिए धर्म दिया है। भगवान श्री कृष्ण की बात कितनी ही समझा कर कही जाए,
लेकिन इस सदी के लिए मौजूद नहीं बैठती, क्योंकि फासला जो गैप है वो बहुत बड़ा है। बड़ा अंतराल पड़ गया, तब का वक्त अलग था, आज का वक्त अलग है, बड़ा अंतर पड़ गया। कृष्ण जिनसे कह रहे थे, कृष्ण ने जिसने कहा, जिसको कहा था अर्जुन, उनके मनों में और जिनके आज है मन, उनमें बड़ा अंतराल है। अब कृष्ण की बात सुनेंगे तो थोड़ी अड़चन महसूस होती है, बड़ा अंतराल हो गया। लेकिन बुद्ध की कुछ बातें ऐसी है कि ऐसा लगता है कि अभी अभी है, ताजी ताजी, फ्रेश। बुद्ध की बात को समसामायिक बनाने की जरूरत नहीं है, वह समसामायिक है। वह कंटेम्पररी है। कृष्ण पर बोलो तो कृष्ण को खींच कर लाना पड़ता है 20वीं सदी में, बुद्ध को नहीं लाना पड़ता। बुद्ध जैसे खड़े है 20वीं सदी में खड़े है, और एक ऐसा अनेक सदियों तक रहेगा, आगे भी रहेगा, आज भी है और आगे भी रहेगा, क्योंकि मनुष्य ने जो होने की ढंग अंगीकार कर लिया है, बुद्ध का वह अब ठहरने को है, अब वह जानने को नहीं, ठहरने को है। और उसके साथ ही बुद्ध का मार्ग ठहरने को है, धम्मपद। धम्मपद कह लो या बुद्ध के सूत्र, धम्मपद उनका विश्लेषण है। उन्होंने जो जीवन की समस्याओं की गहरी छानबीन की है, जीवन की समस्याओं की गहरी छानबीन की है, उसका विश्लेषण है। एक एक शब्द को गौर से समझने की कोशिश करना, एक एक शब्द को, क्योंकि बुद्ध जो कह रहे हैं ये कोई सिद्धांत नहीं है जिन पर तुम श्रद्धा कर लो, ये तो निष्णांतियों का, ये तो निष्णांत है, ये निष्पत्तियां है प्रयोग की। अगर तुम भी इनके साथ विचार करोगे तो ही इन्हें पकड़ पाओगे। यह आंख बंद करके स्वीकार कर लेने का सवाल नहीं, ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूं, यह आंख बंद करके स्वीकारने का सवाल नहीं, यह तो बड़े सोच विचार कर मनन का सवाल है, बड़े सोच विचार कर मनन का सवाल है।